हे स्टूडेंट्स, जनरली स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि अगर हमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए ऑप्ट किया है तो हमें आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या कोई भी रेफरेंस बुक्स प्रैक्टिस करनी मस्ट है. सी, इट इज एब्सोल्युटली नॉट मैंडेटरी कि आपको रेफरेंस बुक प्रैक्टिस करनी है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टैंडर्ड पेपर का जो लेवल होता है वो डेफिनेटली बेसिक से हायर होता है. बट इट डजंट मीन कि स्टैंडर्ड पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है. पेपर इज जनरली बैलेंस्ड पेपर सेट किया जाता है. आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ ईजी, कुछ मॉडरेट मिलेंगे. बट डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसी के लिए आपको बोलते हैं कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करिए. बट दैट डज नॉट मीन कि आपको पूरी पूरी रेफरेंस बुक करनी है. सो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको एटलीस्ट समझ आएगा. कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसे अप्लाई कैसे करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई आप करके देखते हैं, आपको लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग द राइट वे. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज.